कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, वह अपने कर्मों के परिणाम से कभी नहीं बच सकता। आपने जैसी करनी वैसी भरनी यह कहावत तो सुनी ही होगी, जिसका अर्थ है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप सच में इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा? शायद आप में से अधिकांश लोग यह सोचेंगे कि इसमें सवाल करने की क्या बात है, यह तो सत्य है। लेकिन एक बार अपनी आंखें बंद करके खुद से यह प्रश्न कीजिए, क्या आपको इस सवाल का उत्तर स्पष्ट रूप से मिल पाएगा? संभवतः आपके मन में एक हल्का सा संशय जरूर होगा कि यह बात कितनी सच है। आइए आज एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित रहते थे। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। उनका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपंग। पंडित का गांव उनके दोस्त के घर से काफी दूर था और वहां पहुंचने के रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में मग्न रास्ते पर चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ चलने लगता है। उसे देखकर पंडित बहुत प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि साथ चलते रहने से सफर आसानी से कट जाएगा। बातचीत शुरू करने के लिए पंडित उस व्यक्ति से उसका नाम पूछता है। उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में और सवाल करना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चलते रहे। रास्ते में एक गांव आता है। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुम्हें आगे आकर मिलूंगा। पंडित ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को शेर ने अपने पंजों में दबोचकर मार डाला है। ठीक उसी समय धर्मराज पंडित के पास लौट आया। दोनों फिर साथ चलने लगे और धीरे धीरे अगले गांव के द्वार पर पहुंच गए। गांव के बाहर एक बड़ा और सुंदर मंदिर था, जहां आराम करने की अच्छी व्यवस्था दिख रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। पंडित ने धर्मराज से कहा, रात हो रही है, हम पूरे दिन चलते रहे हैं जिससे थकान हो गई है और भूख भी लग रही है, क्यों ना यहीं भोजन कर लें और आराम करें, सुबह ताजगी के साथ यात्रा फिर से शुरू करेंगे। धर्मराज ने सहमति जताई, लेकिन कहा, मुझे इस गांव में किसी को जरूरी सामान देना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया। कुछ देर बाद पंडित ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है। देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने हैरानी से सोचा कि धर्मराज जहां भी जाते हैं वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर घटित हो जाती है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने रात के समय धर्मराज से इस बारे में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। दोनों सो गए। सुबह होते ही वे फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक और गांव मिला। धर्मराज ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़िए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं उनसे मिलकर रास्ते में आपसे फिर जुड़ जाऊंगा। यह कहकर धर्मराज गांव की ओर चले गए। इस बार पंडित ने आगे जाने के बजाय वहीं खड़े होकर धर्मराज पर नजर रखने का फैसला किया। वह देखना चाहते थे कि धर्मराज कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद गांव से शोर सुनाई दिया कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। इसी समय धर्मराज पंडित के पास लौट आए। अब पंडित से रहा नहीं गया और उन्होंने धर्मराज से पूछ ही लिया, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी क्यों होती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने उत्तर दिया, पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ यात्रा कर रहा था। विद्वानों का साथ हमेशा लाभदायक होता है, लेकिन यह देखकर आश्चर्य है कि आप अभी तक यह नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं कुछ समझ गया हूं, लेकिन मेरी कुछ शंकाएं अभी भी बाकी हैं। यदि आप स्वयं अपना सही परिचय दे दें तो मेरे लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। धर्मराज ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो,
और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित चिंतित हो गया और सोच में पड़ गया। उसे लगा, यदि यह सच में धर्मराज हैं और इनकी बात भी सत्य है तो मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे प्रिय मित्र की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा न हो, इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे मित्र से न मिलने जाने से नियति नहीं बदलेगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और यह अगले कुछ ही पलों में होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि उन्होंने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह सचमुच धर्मराज यमदूत ही हैं। यह समझते ही पंडित घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह तुरंत वापस अपने गांव लौटने के लिए पलट गया। लेकिन जैसे ही पंडित ने वापस लौटने के लिए मुड़कर देखा, उसने पाया कि उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आ रहा है। मित्र को देखकर वह बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। मित्र की गति देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे वह काफी समय से उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन चूंकि वह बचपन से ही गंगा लकवाग्रस्त और एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए न तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया और न ही तेज चलकर उसके पास पहुंच सका। जैसे ही मित्र पंडित के पास पहुंचा, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर पंडित हक्का बक्का रह गया और धर्मराज की ओर देखने लगा, मानो पूछ रहा हो, आखिर यह क्या हुआ? धर्मराज ने पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ लिया और कहा, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और तभी से वह तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गंगा और लंगड़ा होने के कारण वह तुम तक जल्दी नहीं पहुंच सका। यही कारण है कि उसकी मृत्यु नियत समय पर यहीं हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती। इस कारण अत्यधिक प्रयास के चलते उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वह अपनी सीमाओं को तोड़कर केवल तुमसे मिलने के लिए भाग रहा था, इसीलिए उसके मित्र की मृत्यु का अप्रत्यक्ष कारण भी तुम ही माने जाओगे। पंडित को अब पूरा विश्वास हो गया था कि धर्मराज वास्तव में यमदूत हैं और उनका कार्य प्राणों का हरण करना है। हालांकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति थे और यह भी जानते थे कि मृत्यु अपरिहार्य है, एक न एक दिन सभी को मरना ही है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने धर्मराज से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि उनके पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देने का समय नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? इस पर धर्मराज ने कहा, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना उचित नहीं है, क्योंकि इससे वह दुखी हो जाता है, लेकिन तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो और जिस प्रकार तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया है, उससे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी विचलित नहीं होगे। धर्मराज ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद इसी दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी खुशी इस फांसी को स्वीकार करोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और पूरी श्रद्धा से सभी क्रियाकर्म संपन्न कर अपने गांव लौट आए। लेकिन चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है। इसी के साथ मृत्यु से बचने के उपाय खोजने की चेष्टा भी स्वाभाविक है। पंडित ने भी ऐसा ही किया। पंडित विद्वान थे, इसलिए उनकी पहचान राज्य के राजा तक थी। उन्होंने यह सोच लिया कि मृत्यु से बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। पंडित ने सोचा कि राजा के पास कई ज्ञानी और समझदार मंत्री हैं, जो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। यही सोचते हुए पंडित राजदरबार पहुंचा और राजा को पूरी घटना विस्तार से बताई। राजा ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए
अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया। चूंकि पंडित एक विद्वान था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए राजा ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। मंत्रियों ने विचार विमर्श के बाद कहा, यदि पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद निश्चित है, लेकिन मृत्यु तभी संभव होगी जब वह किसी अन्य राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में नहीं जाएगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह सुझाव राजा को भी उचित लगा और उसने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी। राजा ने यह आदेश दिया कि बिना उसकी अनुमति के किसी को भी पंडित से मिलने नहीं दिया जाएगा। हालांकि पंडित को महल में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई ताकि उसे यह न लगे कि वह कैद में है, लेकिन मृत्यु के भय से पंडित स्वयं ही कहीं आना जाना बंद कर देता है। समय बीतता गया और मृत्यु की तिथि नजदीक आ गई। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले वह डर के मारे जल्दी सो गया, यह सोचकर कि रात जल्दी बीत जाएगी और सुबह होते ही उसकी मृत्यु टल जाएगी। पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, लेकिन उसे खुद भी इस बात की जानकारी नहीं थी। यही कारण था कि उसने कभी राजा, मंत्रियों या किसी वेद से इसका जिक्र नहीं किया। पिछले कई दिनों से मृत्यु के डर और तनाव के कारण पंडित ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। इसी अनिद्रा के कारण उसे नींद में चलने की बीमारी हो गई। उस रात भी जब वह सोया तो उसे नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल की ओर चला गया, क्योंकि वह पंडित राजा का खास मेहमान था। किसी भी पहरेदार ने उसे न तो रोका और न ही कोई पूछताछ की। अस्तबल पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार हुआ और नींद की अवस्था में ही अपने राज्य की सीमा पार करके पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह वहां के राजा के महल में भी दाखिल हो गया। महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही उससे कोई सवाल किया, क्योंकि रात्रि के अंतिम प्रहर में सभी गहरी नींद में थे। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह वहीं पास में सो गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा। यह देखकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वह स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पड़ोसी राज्य और राजा के शयन कक्ष तक कैसे पहुंचा। दुर्भाग्य से वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन सुबह राजा ने आदेश दिया कि पंडित को दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। उसे देखते ही राजा इतना क्रोधित हो गया कि तुरंत फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित डर तो गया, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके महल तक कैसे पहुंचा। यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं आपके शयन कक्ष तक कैसे आया और आपके पहरेदारों ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु निश्चित थी और वह अब होने जा रही है। राजा को पंडित की बात अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में पंडित ने पिछले 6 महीने की पूरी घटना राजा को विस्तार से सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरा तो क्या, किसी साधारण व्यक्ति में भी इतना साहस नहीं हो सकता कि वह राजा के सैनिकों और स्वयं राजा की उपस्थिति में रानी के साथ कोई अनुचित कार्य कर सके। पंडित की बात में राजा को कुछ तर्क नजर आया, लेकिन उसने सोचा कि यह सब पंडित ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उनकी भविष्यवाणी की कहानी घड़ी है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज वास्तव में तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। चूंकि पंडित जिस राज्य से आया था वहां का राजा इस राजा का मित्र था, इसलिए राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राज्य में भेजा ताकि वे पंडित की कहानी की सत्यता की जांच कर सकें। सैनिक शाम तक लौट आए और उन्होंने राजा को बताया, महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह पूरी तरह सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीनों से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने महल में की हुई थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम पड़ोसी राज्य के राजा ने आखिरी बार पंडित से अपनी कक्षा में मुलाकात की थी। इसके बाद पंडित इस राज्य में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह भी संदेश भेजा
कि पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। अब राजा के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उसने बिना पूरी सच्चाई जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुनाई थी। यदि वह पंडित को फांसी नहीं देता तो अपने वचन का अपमान होता, लेकिन यदि राजा अपने वचन को निभाता तो एक निर्दोष व्यक्ति की जान जाती। राजा इस दुविधा में पड़ गया कि क्या किया जाए। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस समस्या का समाधान सुझाने को कहा। मंत्रियों ने सलाह दी कि पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए। ऐसा करने से राजा का वचन भी पूरा हो जाएगा और पंडित की जान भी बच जाएगी, क्योंकि कच्चे सूत का धागा फांसी देने के लिए कमजोर होता है। राजा को यह सुझाव पसंद आया और उसने आदेश दिया कि ऐसा ही किया जाए। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया। सभी को विश्वास था कि पंडित की जान नहीं जाएगी और राजा का वचन भी पूरा हो जाएगा। पंडित को भी भरोसा था कि इस सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। वह फांसी चढ़ने को तैयार हो गया, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि वह अपनी फांसी को स्वयं स्वीकार करेगा। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, कच्चे सूत का धागा टूट गया। टूटने से पहले धागे ने अपना प्रभाव दिखा दिया। पंडित के गले की एक नस कट गई। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और उसके गले से खून बहने लगा। कुछ ही पलों में पंडित का शरीर शांत हो गया। यह देख सभी लोग चकित रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। यह घटना नियति का काम था और धर्मराज की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होना है वह होकर ही रहता है। चाहे हम कितनी भी सावधानियां बरतें या उपाय करें, घटनाओं की पूरी प्रक्रिया पहले से तय होती है। यही वजह है कि ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो वह राजा के महल में 6 महीने कैद रहकर भय में जीने की बजाय एक बेहतर जीवन जी सकता था। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह सुनने की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी और संदेश के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।